नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कैबिनेट मंत्रिमंडल को लेकर लगातार बिहार में सरगर्मी जोरों पर थी, क्योंकि पिछली बार जब कैबिनेट का विस्तार हुआ था तो जेडीयू को एक सीट का ऑफर बीजेपी की तरफ से किया गया था, लेकिन जेडीयू को यह मंजूर नहीं था। जेडीयू पीछे हट गई थी कि हमारे कोई भी नेता मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं होंगे, लेकिन वहीं जब अब दूसरी बार कैबिनेट का विस्तार हुआ तो सिर्फ एक ही नेता आरसीपी बाबू, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक ऑफर मिला एक आदमी का और वो जाके शामिल हो गया। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है जेडीयू से सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू जी। पहले आप लोगों को एक सीट मिला तो आप लोग नाराज हो गए, शामिल नहीं हुए, फिर दूसरी बार भी एक ही सीट मिला और जाके इस बार शामिल हो गए। देखिए, कोई नाराजगी नहीं हुई थी पहली बार। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल करना और नंबर कितने होंगे ये पूरी की तरह प्रधानमंत्री के विवेक पर है। प्रधानमंत्री जी ने भी पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कहा है कि हम अपने सहयोगियों को एक एक कैबिनेट मंत्री का दे रहे हैं, चाहे शिवसेना थी, अकाली दल था और चाहे लोजपा थी, सभी को एक ही कैबिनेट का सीट मिला था। तो उसी के तहत 2019 में भी जेडीयू को उनके तरफ से एक ही सीट का ये संदेश दिया गया था। इस दफ़ा भी फिर कहा गया कि आपको एक सीट मिल रहा है, आप एक कैबिनेट बने और आइए सहयोगी बनकर देश को चलाइए, नंबर की चिंता मत कीजिए। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस कोरोना काल में कि हम कैसे देश को पुनः आर्थिक उस जो पटरी से उतर गई है पूरी देश की अर्थव्यवस्था, उसको हम वापस पटरी पर लावें, कैसे हम आज देश के तीसरी लहर जो आ रही है उसको रोकने के लिए हम सभी दल एक होकर एनडीए के सभी घटक दल इसको रोकने का काम करें। तो प्रधानमंत्री के बात पर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू को अधिकृत किया कि वो बात करें और फिर जो निर्णय लेना वो ले, और आरसीपी बाबू ने निर्णय लिया। लेकिन ठीक है, पहले बार का पिछले बार के अगर देखा जाए तो उस समय की स्थिति जो था अलग था, एनडीए के साथ कई घटक दले थे, और अभी का मौजूदा जो हालत है वो अगर बीजेपी के साथ अगर कह रहे तो जेडीयू एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी है एनडीए के साथ में, तो उस वक्त एक सीट नहीं लिया और अब एक सीट ले लिए जब एक ही अकेले हैं वो बड़ी पार्टी। नहीं, एक ही सीट का मैंने आपको कहा ना कि सभी अपने सहयोगियों को भाजपा ने कहा था कि हम एक एक कैबिनेट देंगे, आप राज्य मंत्री अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, परंतु आरसीपी बाबू ने अभी उस पर कोई विचार नहीं हो पाया था, सभी के लोगों की राय नहीं ली, इसलिए उन्होंने अभी एक कैबिनेट ही लिया। निकट भविष्य में मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारी पार्टी प्रधानमंत्री के उस आग्रह को भी स्वीकार करेगी और हम लोगों के में से कोई ना कोई भाई जो भी हो राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी के राय से किसी को राज्य मंत्री के रूप में भी सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं जोरों पर थी कि देखिए आरसीपी बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं अब, तो ललन सिंह और आरसीपी बाबू राइट हैंड और लेफ्ट हैंड माने जाते थे, तो अगर आरसीपी बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया तो अब ललन बाबू ही कैबिनेट में, अगर एक ही सीट पर अगर मंजूर ही होगा तो ललन बाबू ही बनेंगे, तैयारी में भी थी लेकिन उनको फ़ोन ही नहीं गया, आरसीपी बाबू जाके शपथ ग्रहण में शपथ भी ले लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ये तो पहले से तय था कि एक सीट मिलेगी तो उसका निर्णय लेने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आरसीपी बाबू के ऊपर छोड़ रखा था, तो और आरसीपी बाबू ने को ही निर्णय लेना था और जो उनको निर्णय में आया, और ललन बाबू ने भी कहा था कि एक ही मिल रहा है तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बने, ऐसी बात है, इसमें कहीं कोई आपस में किसी प्रकार की मतभेद वाली बात नहीं है। नाराजगी तो सीधे तौर पे दिख रही है क्योंकि अभी तक जेडीयू के बड़े नेताओं को से कोई बधाई नहीं दी गई, यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी अभी तक बधाई नहीं दिए, और पर ललन सिंह की बात करें, ललन सिंह बजाते कहा कि आप ही बन जाइए लेकिन बधाई तो अभी तक नहीं दिए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बधाई सोशल मीडिया में देकर जताना और ऐसे औपचारिक में बधाई भेज देना एक अलग चीज़ होता है। अब जब तक आज का टाइम हो गया है कि कुछ भी कीजिए, सोशल मीडिया में आपने नहीं डाला तो आपने कुछ नहीं किया, ऐसी नहीं है। बधाई उनको माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ललन बाबू अपना हिसाब से दिए होंगे, अब सोशल मीडिया में नहीं आया तो लग रहा है कि बधाई नहीं दिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये चीज़ जब चर्चाएं में है, लगातार मीडियाएं में है, तो इसमें जब एक मतलब बयान माना जाता है ट्विटर और फेसबुक को भी, तो जब ये चर्चाएं है तो आप इस पर अगर नाराजगी आपकी नहीं रहती तो आप विराम लगाने के लिए लिख देते टोटल सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर लिख देते कि भाई बधाई है आरसीपी बाबू को, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं सुन रहे हैं लेकिन फिर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि ललन बाबू ने कोई नाराजगी जाहिर की है,
या किसी नेता ने, ये मीडिया ही क्रिएट कर रही है कि मुख्यमंत्री नाराज हैं, मुख्यमंत्री नाराज हैं, कोई उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, ललन बाबू नाराज हैं। कहाँ मुख्यमंत्री कोई नाराज है, कहाँ ललन बाबू नाराज हैं, ये सब मीडिया में चल रही है। जनता दल यूनाइटेड के अंदर में सभी निर्णय सभी की राजा मंदी से सबके से पूछकर लिया गया है, कोई नाराज नहीं है। एक आखिरी सवाल है, कल ललन बाबू और उपेंद्र कुशवाहा की घंटों मुलाकात हुई है बंद कमरों में, क्या लग रहा है कि नाराजगी में इस खिचड़ी पकड़ा है? कोई खिचड़ी उचड़ी नहीं पकड़ी है, संगठन का काम है। अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार अब हो गया, अब फिर अब राज्य के अंदर में और अन्य राज्यों में जो चुनाव होना है, जनता दल यूनाइटेड अपना विस्तार करना चाह रही है, पार्टी को और आगे बढ़ाना चाह रही है, तो उस पर संगठन पर बातचीत हुई। क्योंकि हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने यूपी में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस संदर्भ में ललन बाबू और उनकी वार्ता हुई कि अब आगे का चुनाव पर हम लोग कैसे फोकस करें। मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो गया, वो बात तो खत्म हो गई, अब विभागों के अपने पार्टी का विस्तार पर दोनों में चर्चाएँ हुई हैं। बिल्कुल, ये तो ऐसा नहीं हो गया कि मतलब खाना हम बनाए और खाना जाके बैठ कर खाना आप खा ले, तो वही हो रहा है जैसे कि पार्टी का विस्तार और पार्टी की कैसे मजबूत हो उस पर कार्य जो है वो ललन बाबू करेंगे, और जहां मंत्री बनने की बात होगी तो आरसीपी बाबू जाके बन रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग के भी कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और एमपी हम बन जाते थे, ऐसा थोड़ी होता है, सभी के प्रयास से ही कुछ होता है। अब ये कहना कि जितने कार्यकर्ता ने मेहनत किया सब एमपी बन जाएंगे, अरे सब एमपी हैं आज, जितने भी जेडीयू के लोग हैं वो सभी अपने आप को माननीय नीतीश कुमार समझते हैं, अपने आप को आरसीपी बाबू समझते हैं, उपेंद्र कुशवाहा समझते हैं, ललन बाबू समझते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरे पार्टी में ही सब है। अभी आपने कल ही देखा, जहाँ एक हमारे विपक्ष की पार्टी है जो अपने आप को बिहार में भर दिन ढिंढोड़ा पीट रही है, जहाँ बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं, जगता बाबू ऐसे सीनियर आदमी, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग जब भी सदन में थप थे बिहार विधानसभा में, तो जगता बाबू की एक इज्जत थी, हम लोग भी उनको झुक कर प्रणाम करते थे, वो इतने मान सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं, और कल के लड़का और उनको बेइज्जत करता है, तो ये क्या बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब आरजेडी में ही है, हमारे यहाँ सबों का मान है, सम्मान है, सबको उसके पद के अनुरूप इज्जत दी जाती है। मतलब गुस्सा नहीं है कुछ, कोई मनमुटाव नहीं है पार्टी के अंदर में, सभी आदमी पार्टी के विस्तार में और पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा हो इसमें लगे हों। बिल्कुल, देखिए ये थे जेडीयू के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, आपने साफ सुथरा सुना कि देखिए कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन जो अंदर खाने खिचड़ी पक रही है, लगातार बंद कमरे में जाकर मुलाकात होना, बधाई नहीं देना, तो ये सब कुछ ना कुछ इशारा जरूर कर रहा है कि बिहार की राजनीति में जो उठा पटक किसी भी वक्त हो सकती है। दिल्ली से फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।